सो नायरा, आज आपको अवार्ड मिला है, किस तरह की फीलिंग है और अपने अवार्ड के बारे में क्या क्या बताएं? अवार्ड तो मुझे कल भी मिला था. मेरा मतलब 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए थे रक्षाबंधन के शो में. दैट्स अ माइलस्टोन, दैट्स नथिंग बट एन अवार्ड. एंड आज मुझे ब्रेन एंड ब्यूटी द बेस्ट एक्टर एंड इन्फ्लुएंस अवार्ड मिला है बाय द इंडियन फेम अवार्ड. इट्स अ ग्रेट फीलिंग क्योंकि मैं उन टॉप 25 सिलेक्शन में से हूँ जो सोसाइटी के लिए बहुत वैल्यूबल है. बिकॉज वी ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. सो या आई एम ग्लैड एंड फीलिंग ग्रेट. अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं आपके लाइफ में? सी, अवार्ड इज नथिंग बट एन एक्नॉलेजमेंट. हम डे टू डे इतनी मेहनत करते हैं, कोई हमें प्रेज करे, एक्नॉलेज करे, उससे हम लोग को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है. और जब आप अवार्ड देते हो तो वो एक इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग दैट ओ माई गॉड, इट्स लाइक अ गिफ्ट. और गिफ्ट लेना किसे पसंद ना आता. सो अभी तक क्या कुछ बेस्ट मेमोरी रही है अवार्ड को लेकर? हर अवार्ड रिसीव करने गई हूँ, जब जब मुझे सिर्फ बेस्ट एक्टर के लिए नहीं मिलता है, मुझे मेरी पर्सनालिटी के लिए, मेरे थॉट्स, द काइंड ऑफ थिंग्स आई शेयर विद द पब्लिक, वो सारी चीज़ों के लिए मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू थ्रू माई फेम. थ्रू माई फेम आई वॉन्ट टू एजुकेट मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल स्टफ. सो आई एम एबल टू डू दैट, दैट्स लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो आपका जो शो है रक्षाबंधन, नंबर वन, आई एम नंबर वन. इतना गुड न्यूज़ मैं क्या बताऊँ. मतलब आई एम जस्ट, मेरा दिल गार्डन हो गया. खुद बगीचा बन के आ गई हूँ ग्रीन पेन के. सो थिंग्स आर देयर ऑन द पाइपलाइन राइट नाउ. नेक्स्ट ईयर मैं कुछ कर पाऊँगी. अभी फ़िलहाल हमारा लीप के बाद बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, तो मैं कुछ ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे डेज मैच नहीं हो रहे. बट डेफिनेटली यू गाइस विल सीज मी इन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स नेक्स्ट ईयर. शूटिंग की बात की जाए तो कितने घंटे शूटिंग करते हैं, किस तरह से अपने डेली लाइफ? सी, 12 से 15 घंटा तो हो ही जाता है. यू नो, बहुत थकावट हो जाती है क्योंकि, और कभी कभी इतने हाई गियर वाले सीन्स होते हैं ना. सो इट इज़ टायरिंग बट ठीक है, मज़ा तो आता ही है. यू वॉन्ट टू वर्क. जब हम लोग घर पर बैठे तब सोचते कि अरे काम कब करेंगे. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग. आई जस्ट से दैट अपने आपको अगर समझ में आता है कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में, उसको और पॉलिश कीजिए एंड प्लीज़ गो टूवर्ड्स इट. पीपल विल लव यू. यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू हेल्प पीपल, टू यू नो, जस्ट हेल्प एज मच एज यू कैन. सो कीप डूइंग द गुड वर्क एंड थैंक यू फॉर लविंग मी एंड फॉर ऑल द अफेक्शन दैट यू गिव मी. थैंक यू. थैंक यू.